मेरा भारत महान। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति आज के आधुनिक दुनिया में, यदि आप तन पर दो जोड़ी कपड़े लेकर चल रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है और आप तीन राज्यों की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, बावजूद उसके भारत के लोग इतने प्यारे हैं कि आपका स्वागत करते हैं, जितना स्वागत आपका आपके समधियाने में, आपके ससुराल में नहीं होता, उससे ज़्यादा स्वागत आपका परिक्रमा वासियों का, माँ नर्मदा के भक्त हमारे भारतवासी करते हैं। आप सभी की पीठ थपथपाइए और भारत माता की जय जरूर करिए। दिल में बसती है भारत माता, माँ नर्मदा की परिक्रमा आपने पूरी की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी पैदल नर्मदा परिक्रमा पूरी की है। क्या कुछ अनुभव है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ आनंद है जो कि आपको बस से टैक्सी से नहीं मिलता, वो सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय पुरुषोत्तम भार्गव जी, आपको हर हर नर्मदे, और हमारे साथ हैं आदरणीय श्री शंकरलाल जी पटेल, आप दोनों अपनी शासकीय नौकरी से सेवानिवृत्त हैं। दोनों की उम्र 70-70 वर्ष है। इस उम्र में इन्होंने ये पैदल पदयात्रा की है, अपने आप में एक सराहनीय पहल, अपने आप में एक रोचक बात है। बाचाबानी के आप रहने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा पैदल पदयात्रा में और बसों से जो यात्रा करते हैं, टैक्सी से यात्रा करते हैं, क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि बस से यात्रा करने में कुछ भी, मैया का किनारा नहीं मिलता, आश्रम नहीं मिलते, साधु संतों का मिलन नहीं होता और जो अनुभव होता है साधु संतों का वो नहीं होता। बस यात्रा में कुछ भी नहीं रहता उसमें। हम कह सकते हैं कि जो पदयात्रा का हम मन बनाकर चलते हैं वो मज़ा नहीं आता। नहीं आता है उसमें, हर स्थान पर तीर्थ है नर्मदा के किनारे, उनके दर्शन होते हैं, महात्माओं के दर्शन होते हैं। अच्छा। अब अभी बीच में हमको 130 साल के महात्मा के दर्शन हुए। क्या बात है। भाटिया दिल्ली में जो एक महात्मा है 130 वर्ष के, उनके दर्शन किए सियाराम बाबा के। अच्छा। तो पैदल चलने में कई महात्माओं के दर्शन होते हैं, आत्म शांति होती है। साथ में क्या क्या चीज़ें लेकर आप लोग गए थे? हम साथ में एक कम्बल जी, बिछाने के लिए दरी, एक कमंडल, गिलास, लाठी, बस ये चीज़ के सिवा कुछ नहीं ले गए। कपड़े वगैरह? कपड़े तो हम एक जोड़ी कपड़ा लुंगी है या बनियान है और कुर्ती बस। अच्छा। और एक जोड़ी रखे होंगे साथ में? हाँ, एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखे थे, सुबह उनको पहने उनको उतारे। क्योंकि आपने 70 वर्ष की आयु में ये फैसला लिया, क्या कुछ पहले डर आपको लग रहा था शरीर स्वास्थ्य को लेकर, और क्या कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिला, मतलब ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या? हमको कोई डर नहीं लग रहा था, वैसे मैं इसके पूर्व भी 5 बार यात्रा कर चुका हूँ परिक्रमा। हाँ, पर उसमें कुछ आधी अधूरी जगह बैठ के भी करना पड़ी, इसके कारण मैंने इस बार संकल्प लिया कि पैदल ही चलूँगा। अच्छा, मज़ा आया? मज़ा आया इस बार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर यात्रा नहीं करते तो शायद जीवन का बहुत बड़ा आनंद हम भूल जाते। आनंद क्या है, एक आस्था थी हमारे दिल में कि हमको पैदल ही माँ की परिक्रमा करना है। आपका क्या अनुभव रहा शंकरलाल जी? हमने हर जगह का पानी पिया। अच्छा। जैसा पानी मिला वैसा पिया, हमको कोई महसूस, कोई भी बीमारी से हम महसूस नहीं किया। अच्छा। और ना हमको कुछ हुआ। आपने जो यात्रा है वो लगभग 3 महीने 18 दिन में पूरी की, और उस समय की जब आप दिसंबर जनवरी में, अभी भयानक सर्दी पड़ी थी, मैं घर से बाहर निकलने में डरता था रात्रि के समय, क्या कुछ सर्दी वगैरह ऐसा कुछ कठिनाई हुई? हमको कोई भी सर्दी नहीं मिली। अच्छा। और न हमको महसूस हुआ, हमारे यहाँ से फ़ोन जाता था कि ठंडी यहाँ बहुत पड़ रही, लेकिन हमने इनको फ़ोन पर बोला कि हमको तो गर्मी लग रही है, हमको कोई ठंडी नहीं है, वो हमको कोई ठंडी नहीं पड़ी अभी तक। अच्छा। घर ही आ गए। एक डर रहता है कि पता नहीं रास्ते में लोग बाग कैसा व्यवहार करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, नर्मदा जी के आश्रय से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, उन्हीं के आश्रय से निकले ना हम, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। स्वागत वगैरह सब ठीक होता है? हर जगह नर्मदा परिक्रमा वासी का स्वागत होता है, सेवा होती है, नहीं भोजन की व्यवस्था होगी, आपके सोने की व्यवस्था होगी। कितने, अगर जैसे कोई मन बनाता है, किस उम्र में उसको पूरी तरह से यात्रा करना चाहिए, और कितनी दूरी आपने तय की? 60 वर्ष की उम्र में ही यात्रा शुरू होना चाहिए, घर से निवृत्त होकर, बच्चों की शादी हो जाए, वो उनके पैरों पर खड़े हो जाएं, और आप वो पूरा छोड़ दो परिवार को, और वो मैया की सेवा के लिए ही जाओ,
ग्रस्त छोड़कर, तो आपकी यात्रा सफल होगी। आपका दिमाग घर पर लगेगा, फोन आएगा कि जे खेत में जे बो देना वो बो देना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हैं क्योंकि आपका ध्यान तो घर तरफ है ना, मैया के तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा। आपके पोता पोती की याद वगैरह आई आपको? नहीं, कोई याद नहीं है, वो तो अच्छे रह रहा है, अपने उनके भरोसे छोड़ दिया माता पिता के। अच्छा। अपन क्यों कर रहे हैं महसूस। कहाँ से यात्रा शुरू करी थी आपने? हमने यात्रा खैरा घाट होशंगाबाद जिला पड़ता है उसके किनारे से शुरू की थी। अच्छा। और वहीं पूरी यात्रा पूर्ण होकर और वहीं समाप्त हुई। कितने दिन का समय लेना चाहिए यदि कोई 60 वर्ष की आयु पर आ चुका है और शरीर से स्वस्थ है, और अगर किसी भी उम्र में अगर वो अगर जल्दी नहीं है उनको तो 20 किलोमीटर भी चले तो उसकी 6 महीने में पूरी हो जाएगी। अच्छा। 30 किलोमीटर चलेगा तो उसकी 4 महीने में पूरी हो जाएगी। कम ज़्यादा चलेगा वो तो चलने के ऊपर ही यात्रा पूर्ण होती है। हमारे साथ भार्गव जी हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम भार्गव जी। आपने तो 5 बार यात्रा की है, इस बार कंप्लीट हो गई या अगली बार कुछ कमी रह गई जो आप वहाँ पर? अगली बार कुछ कमी रह जाती थी कि 2-3 महीने चलने के बाद में फिर सफर बस से या ट्रेन से कर लेते थे, इसके कारण हमको आत्मग्लानि नहीं होती थी कि देखो एक बार तो हम पूरी पैदल यात्रा कर लें, तो इस बार हमको मैया की कृपा से पूरी पैदल यात्रा कर ली है। अब आत्मा तृप्त हो गई? आत्मा तृप्त हो गई है। अब कितने लोगों को साथ में जाना चाहिए यदि पैदल यात्रा कर रहे हैं तो? कम से कम लोगों को 4-5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि कोई अकेला भी ये मन बनाता है तो उसको क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा? दिक्कत नहीं है, उसका भजन तो और ज़्यादा होगा। अच्छा। उसको बोलने वाला नहीं, टोंकने वाला नहीं कि यहाँ रुकिए, उसकी इच्छा जहाँ पड़ेगी, उसकी आत्मा जहाँ बोलेगी वो वहाँ रुकेगा। रास्ते में कभी अगर अस्वस्थता लगती है, कोई बीमारी वगैरह या अगर कोई दिक्कत आती है तो? हर आश्रम पर दवाई गोलियां की व्यवस्था होती है। अच्छा। नहीं, आप अपनी तकलीफ बताएंगे, आपको दवाई गोली वहाँ से मिल जाएंगी। मतलब कोई चिकित्सक वगैरह बैठे रहते हैं? डॉक्टर बुला लेते हैं वो आश्रम वाले साधु महात्मा। अच्छा। वो फ्री ही गोली देते हैं, फ्री ही इलाज करते हैं, बड़े से बड़ा। क्या बात है, मेरा भारत महान। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति आज के आधुनिक दुनिया में, यदि आप तन पर 2 जोड़ी कपड़े लेकर चल रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है और आप 3 राज्यों की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, बावजूद उसके भारत के लोग इतने प्यारे हैं कि आपका स्वागत करते हैं, जितना स्वागत आपका आपके समधियाने में आपके ससुराल में नहीं होता, उससे ज़्यादा स्वागत आपका परिक्रमावासियों का माँ नर्मदा के भक्त हमारे भारतवासी करते हैं। आप सभी की पीठ थपथपाइए और भारत माता की जय जरूर करिए। दिल में बसती है भारत माता, माँ नर्मदा परिक्रमा आपने पूरी की है। जीवन में अगर आपने परिक्रमा नहीं की तो आपने क्या किया, और परिक्रमा अगर आपको करना है तो पद यात्रा ही करें, पैदल ही चलें, क्योंकि जैसा कि आप दोनों ने मुझे बताया कि जो आत्मिक शांति, जो जीवन का एक सच्चा अनुभव, जो सुकून आपको पैदल पद यात्रा में मिलता है वो आपको बस और टैक्सी में नहीं मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, निकल जाइए माँ नर्मदा का नाम लेकर, बाकी आपकी परेशानी माँ नर्मदा की परेशानी है, ज़्यादा सोचिए मत और जीवन का ये आनंद ज़रूर उठाइए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। हर हर नर्मदे, नर्मदे, हर हर नर्मदे। संजय वैष्णव की ये खबर देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, अगर अब आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी से संबंधित जो वीडियोस हैं, जो चर्चाएं हैं, हम तरह तरह के लोग हैं वो आपके सामने ला सकें, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी प्रेरक कहानी होगी, रोचक कहानी होगी, वो आपके मोबाइल में अपने आप आ सकेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।